आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। 11 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन, सुलह समझौते के आधार पर सुलझाएं मामले। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही के तत्वाधान व जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही अनिल कुमार के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 11 सितंबर 2021 दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर ज्ञानपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से बैंक के लंबित मामले प्री लिटिगेशन स्तर पर निर्धारित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपराधिक समनी वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 के वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, परिवार वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व संबंधित दाखिल खारिज, वरासत, खतौनी व बेदखली से संबंधित वाद, चकबंदी, श्रम स्टैम्प, पारिवारिक वाद आदि अन्य मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार ने कहा कि समस्त अधिकारियों व अधिवक्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे जनपद न्यायालय भदोही, परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट न्यायालयों, तहसीलों व खंड विकास कार्यालयों, नगर पंचायत कार्यालयों, बिजली से संबंधित मामले, ई चालान से संबंधित मामले व जनपद के अन्य न्यायालयों अथवा विभागों से लंबित मामलों के सुलभ निस्तारण हेतु मामला लोक अदालत को संदर्भित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। यह जानकारी प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आरिफ अहमद अंसारी ने दी। उन्होंने कहा कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस आवश्यक जानकारी को जनपद के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, आगामी 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। इसमें दीवानी वाद, आपराधिक शमनी वाद, ई चालान, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले और रेवेन्यू मामले, इसके अतिरिक्त पारिवारिक मामलों का निस्तारण किया जाता है। लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पक्षकार सुलह समझौते के माध्यम से अपने वादों का निस्तारण करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मुकदमे के आगे जाने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है और पक्षकार के समय और धन की बचत होती है। अतः मैं सबसे यही आग्रह करूँगा कि जिनके मुकदमे दीवानी में हो या फिर आपराधिक शमनी मामले हो या फिर ई चालान संबंधित मामला हो, अपना निस्तारण लोक अदालत में करवाएं और समय और धन की उनकी बचत करें। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।